दोस्तों आज मैं ये लाल रंग का कुर्ती है दोस्तों, लेडीज कुर्ती है, ये सिकुराया हुआ दोस्तों, वाश कर लिए, स्टार्च भी दे दिए हैं। वाश वाला और स्टार्च देने वाला वीडियो दोस्तों नहीं देखा तो हम बहुत सारा कपड़ा वाश करते हैं, स्टार्च देते हैं दोस्तों। तो मेरा चैनल अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको दोस्तों हर तरह का कपड़ा वाश करने का आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम इसको करेंगे आयरन, वो भी घर पर पतला आयरन से दोस्तों, जो कि आप लोगों के पास होगा दोस्तों पतला आयरन, और लॉन्ड्री में दोस्तों भारी आयरन होता है, हम भारी आयरन नहीं लेंगे। मेरे पास दुकान में है दोस्तों भारी आयरन, क्योंकि भारी आयरन सबका घर में नहीं है, आप लोगों के घर घर में दोस्तों पतला वाला आयरन होता है, वही पतला इलेक्ट्रिक आयरन से दोस्तों आज आयरन करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे आयरन करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सिकुराया हुआ दोस्तों ये कुर्ती है, लेडीज कुर्ती लाल रंग का है, देख लीजिए दोस्तों, नज़दीक से दिखा देते हैं आप लोग, उल्टा करके भी इधर से भी दिखा देते हैं, देख लीजिए दोस्तों पूरा सिकुराया हुआ है। ये देखिए दोस्तों कितना भी इसको ये करिएगा टानने से भी ये सीधा नहीं होता है, देखिए दोस्तों बिल्कुल सिकुरा गया है। तो इसको आज दोस्तों हम, और इसमें दोस्तों देखिए सितारा वगैरह है चिपका हुआ, ये सिलाई किया हुआ है, तो इसको बचा के आयरन करेंगे दोस्तों। यहाँ भी सामने में भी देखिए दोस्तों मोती जड़ा हुआ है सामने की तरफ, तो ये सबको बचा के आयरन करना पड़ता है दोस्तों, और भारी वाला आयरन इसके ऊपर देने से ये दोस्तों मोती वगैरह टूट सकता है। तो दोस्तों फटाफट आयरन कैसे करेंगे वो तरीका आप लोगों को सिखाएंगे, तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, फटाफट आयरन कैसे करें कुर्ती को वो तरीका आज बता रहे हैं। देखिए दोस्तों कुर्ती ले लिए हैं, अब दोस्तों इसको आयरन करने का तरीका बता रहे हैं। इसको दोस्तों इस तरह से फैला लेना है, और दोस्तों आपके पास अगर भींगा हुआ कपड़ा है सूती का तो वो ले सकते हैं, या आपके पास स्प्रे मशीन है ये देखिए ये भी ले सकते हैं, या नहीं है ये भी दोनों दोस्तों तो पानी का हल्का हल्का छीटा दे सकते हैं, एकदम पतला करके, ज़्यादा गाढ़ा दीजिएगा दोस्तों काला काला पानी का धब्बा दाग दिखेगा दोस्तों, इसीलिए हम ये पानी नहीं देंगे, स्प्रे मशीन इसके लिए बेटर है। तो दोस्तों स्प्रे मशीन से ही हम इसको स्प्रे करके भींगा लेंगे, पूरा कुर्ती को भींगा लेंगे दोस्तों, तब जाके आयरन करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट कुर्ती को भींगा लेते हैं हल्का हल्का पानी देके, ठीक है दोस्तों। और इसको उल्टा साइड में दोस्तों ये अस्तर को आयरन करेंगे और कुर्ती को आयरन करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों धीरे धीरे हम आयरन करना शुरू कर देते हैं, देखिए दोस्तों आयरन दिए हैं, इधर भी मोटा मोटी बैठा है, उतना नहीं बैठा है लेकिन बैठ गया है, पीछे की तरफ भी। हम दोस्तों अस्तर को चलिए आयरन करते हैं और कुर्ती को भी पीछे की तरफ आयरन करते जाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा हुआ है फिनिशिंग काम का, देख लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों कितना अच्छा हो गया है, एकदम प्लेन हो गया है, सिकुरन नहीं है, और आधा हम किए थे दोस्तों और आधा करेंगे अभी, देख लीजिए यहाँ सिकुराया हुआ है, इसको भी अभी आयरन फटाफट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट आयरन इसको भी कर लेते हैं, देखिए इस साइड और ये साइड इस तरह से कर लेना है दोस्तों, और यहाँ बीच में दोस्तों नहीं करेंगे क्योंकि मोती है उल्टा साइड में, ये देखिए इधर से मोती है। अब दोस्तों इधर में इधर से देखिए अंदर की तरफ कर लिए, अब यहाँ दोस्तों देखिए सितारा है, इधर से सीधा की तरफ से कैसे आयरन करना है देख लीजिए, थोड़ा सा टेस्ट करना है जल रहा है कि नहीं, नहीं जल रहा है सितारा यानी ये इतना गर्म चल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब है पूरे कुर्ती को आयरन कर लेते हैं, देखिए दोस्तों हल्का हल्का जो सिकुराया था वो भी ठीक हो गया, देख लीजिए इतना सुंदर होते जा रहा है दोस्तों। तो कम गर्म आयरन देना है दोस्तों, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा गर्म है तो इसका दोस्तों ये पावर थोड़ा कम कर दीजिएगा, तो ये जो है देखिएगा इस पर आयरन हो जाएगा सितारा के ऊपर भी, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम इसका हाथा जो दोस्तों जो बाजू है उसमें हम आयरन करेंगे, देख लीजिए दोस्तों इसका बाजू सिकुराया हुआ है, इसको आयरन कर लेंगे और इसको इधर से करने के बाद फिर उधर से भी कर लेंगे, और करने के बाद देखिएगा दोस्तों दोनों बाजू को भी दिखा देंगे, जिसमें नहीं आयरन करेंगे वो सिकुराया हुआ रहेगा, देख लीजिए दोस्तों ये भी सिकुराया हुआ है। अब दोस्तों इसको भी उसी तरह से कर लेंगे, अब दोस्तों हम इसको पलट लेते हैं, उल्टा करके हल्का हल्का आयरन कर देते हैं, और इसको भाँज करने से पहले दोस्तों एक पेपर देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो पेपर ले लिए हैं, पेपर दे दिए हैं, पेपर को हल्का सा आयरन कर दिए हैं,
अब दोस्तों भाँज करेंगे। चलिए दोस्तों एक बार इधर से मोड़ लेते हैं, एक बार इधर से मोड़ लेते हैं और इसका हाथ था बाजू को दोस्तों इस तरह से मोड़ लेते हैं। अब दोस्तों इसको दो फोल्ड करेंगे, एक और दो। देखिए दोस्तों हो गया, कितना सुंदर हो गया। अब पहले कैसा था और अब ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये आयरन करने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।